बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आज के सेगमेंट का आगाज़। हमारे साथ दो मेहमान हैं। जिस तरह मैंने कल भी ये अर्ज़ किया था कि हमारी कोशिश अब ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहमानों को यहाँ मदऊ करें, और इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, उनके मसाइल हल हो सकें। कल का नेकी आपसे दरख्वास्त है कि ज़रा ज़रूर देखिएगा, उसमें कुछ बहुत अहम चीज़ें आपसे शेयर भी करनी है, आपसे डिस्कस भी करनी है, और आपकी रहनुमाई भी, आपकी हिदायत भी हमें कल के नेकी के सेगमेंट में चाहिए होगी। आज हम ये जिस हाथ के ज़ख्म का जिक्र कर रहे थे उसका ताल्लुक भी कल के नेकी सेगमेंट से है, तो आपसे दरख्वास्त है कि उसे ज़रूर देखिए कि हम कुछ चीज़ें कंपाइल कर रहे हैं, तो कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो अखलाक खान और सोनिया खान हैं, और उनकी प्यारी सी बेटी है फारिया, जिसे इस वक्त नींद आ रही है और वो जमाइयाँ ले रही है सेट के ऊपर जाने रमज़ान के, और परिंदों को देख रही है बहुत शौक से। ये सुन नहीं सकती, ये बोल नहीं सकती। इस तरह की एक बच्ची से हमने आपकी मुलाकात करवाई थी जो पिछले साल शान रमज़ान की मेहमान बनी थी, और अब हमने यहाँ सेट पर जब उसे आवाज़ दी थी तो उसने पीछे पलट कर देखा था, यानी उसने सुनना शुरू कर दिया है, और अब उसकी स्पीच थेरेपी हो रही है और वो इंशाल्लाह जल्द बोलना शुरू कर देगी। और फिर एक और बच्ची जो कि वलिया थी, आप लोगों की मोहब्बत से उसके इलाज का इंतज़ाम भी हुआ, और उसके इलाज का इंतज़ाम होने के साथ साथ एक रियायत हमें डॉक्टर साहब की तरफ से जो कि इस इलाज को कर सकते थे उनकी जानिब से मिली, तो आज हमने उन्हें भी ज़हमत दी है। डॉक्टर सुहेल अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने उस बच्ची के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 40-50% वाला मामला आसान कर दिया है वलिया के लिए। ज़बरदस्त। और ज़ाहिर है चूँकि इस सिलसिले के माहिर भी हैं, तो हम ज़रा इनसे बात भी करते हैं कि सर, ये बच्ची अभी बोल और सुन नहीं सकती, तो ये क्या फॉल्ट होता है बेसिकली इस तरह के बच्चों में? ये तीसरा ऐसा मामला है जो हमें दरपेश है। जी जी, ये बच्चों में आमतौर पे ये पैदाइशी डिफेक्ट है। पैदाइशी का मतलब ये है कि ये मौरसी या जेनेटिक बीमारी है। ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। उसकी ज़्यादातर वजह कज़न मैरिजेज हैं। सही। इनमें से जो 70% के करीब जो हेयरिंग लॉस के केसेस होते हैं उनमें फर्स्ट कज़न, स्पेशली फर्स्ट कज़न मैरिजेज हैं। अच्छा, तो ये जो फैमिली है ये भी फर्स्ट कज़न हैं दोनों? इनका मुझे अभी इतना नहीं मालूम। मैंने आप फर्स्ट कज़न हैं, कोई ताल्लुक नहीं आपका आपस में? ठीक है। बट 70% इसी तरह से होते हैं, तो ये हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है, स्पेशली इस बेल्ट में, इंटीरियर सिंध बलोचिस्तान इस बेल्ट में ये बहुत कॉमन है। इलाज मुमकिन है इसका? जी, फॉर्चुनेटली अब इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन इलाज मुश्किल है। सही। ऑपरेशन के जरिए है, आला लगाना पड़ता है, थेरेपीज हैं प्रॉपर। जी, आला जिसको कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं, ऑपरेशन के मरहले से गुजरना पड़ता है, ये एक अहम मरहला होता है। फिर उसके बाद एक लंबा मरहला शुरू होता है जिसको आप स्पीच थेरेपी का दे रहे हैं, जिसको हम रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कहते हैं। सही। तो वो ये जो बच्ची है एक वलिया जो जिसके वलिया बच्ची का इंशाल्लाह कल सुबह जो है ना 8 बजे ऑपरेट कर रहे हैं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ दिन पहले हम उसे यहाँ लेके आए थे और हमने आपसे वादा किया था कि अगले साल इंशाल्लाह कम से कम, अल्लाह ताला चाहे और ज़ाहिर उसकी रजा शामिल हाल रही, तो वो सुनना शुरू कर देगी। पहला स्टेप है सुनना, तभी हम बोलना सीखते हैं, उसके बाद तो वो सुनना शुरू करेगी और फिर इंशाल्लाह। तो ये बड़ी खुशखबरी डॉक्टर साहब आपने सुनाई। इसी तरह अलीना की एग्जांपल है, जो उससे पहले बच्ची, उससे पहले जो ऑपरेट हुई है, जैसे आपने बताया कि उसने अब रेस्पॉन्स देना एटलीस्ट शुरू कर दिया है। अलीना कह के पुकारते हैं तो एट टाइम्स मुड़ के देखती है कि मुझे कौन बुला रहा है। ये पहला स्टेप है, यानी जस्ट आवाज को, आवाज की तरफ तवज्जो देना। सही। फिर उसके बाद लफ्जों को जो है ना अंडरस्टैंड करना, मुख्तलिफ आवाजों को अंडरस्टैंड करना, तो एक लंबा प्रोसेस है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे जब यहाँ आ रहे थे, तो ये जब हम इम्प्लांट लगाते हैं जिस दिन वो ऑन होता है, तो उस दिन समझे हेयरिंग के हिसाब से वो बच्चा पैदा हुआ है, पहला दिन है उसने फर्स्ट लव्स, उसने फर्स्ट कोई भी आवाज उसने पहली दफा सुनी है जिंदगी में, पहली। ये भी नहीं पता ठीक से कि इसमें रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना या क्या करना है। जिस तरह वो बच्चा जो पैदा होता है वो कहीं 9 महीने बाद जाके पहला अल्फाज अदा करने की पोजीशन में होता है, बिल्कुल। तो इसी तरह ये बच्ची को भी रिहैबिलिटेशन। और डॉक्टर साहब उसके लिए तो हम आपका शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकते कि जाहिर है आपने अपनी प्रोफेशनल चीजें भी जो थी वो भी छोड़ी और जितनी रियायत हो सकती थी वो भी। तो अलीना जो पिछले साल की हमारी मेहमान थी, इस साल आई तो वो सुनने के काबिल थी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से। इस बार जो हमारी मेहमान थी वलिया, और दोनों बहुत प्यारी बच्चियां थी, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती अगर वो सुन और बोल ना सकती। गुड़िया जैसी बेटियां बच्चियां, और ज़ाहिर है बेटियों वाले इस दुख को ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। तो वलिया का कल अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन होने जा रहा है, तो कम से कम 2 जिंदगियां
आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोगों की दुआओं से और डॉक्टर साहब की माशाल्लाह एफर्ट्स की वजह से और इनकी बहुत सारी रियायतें इनकी जानिब से, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम ये दो बच्चियां कम से कम अपनी ज़िंदगी बेहतर और अच्छे तरीके से नॉर्मल तरीके से इंशाल्लाह। ये बेसिकली ये बच्चे फिर नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, सही नॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस में जाते हैं। और अगर हम कंपेयर करें कि ये अगर बगैर इलाज के अगले 5 से 10 साल ज़िंदगी गुजारें और इस इलाज के साथ गुजारें, देन इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल सही, ये सुन सकेंगे, नॉर्मल स्कूल में जा सकेंगे इंशाल्लाह, और फिर उसी तरह और इतनी प्यारी प्यारी बेटियां बच्चियां हैं कि इनको देख के वैसे भी बस इनके लिए मैं रिक्वेस्ट कर दूं, 25 लाख रुपए का एक तखमीना है जो कि ज़ाहिर है इनके फिर आने जाने का खर्च सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं, मगर हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब जिस तरह के उसको हम कम से कम कर सकें। बस आप अतिया करना शुरू कीजिए, 20 लाख की आपसे ये दरख्वास्त है, और अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह जिस तरह के अलीना को आपने यहाँ सुनते हुए देखा, अलिया का वलिया का हमने आपको बताया कल ऑपरेशन है, अल्लाह ने चाहा कि इसका भी ईद के फौरन बाद हम इलाज का सिलसिला शुरू कर दें। तो ज़रा इनकी वालिदा से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, उदास क्यों बैठी हैं आप, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। बस मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची बोलने और सुनने लगे और बच्चों की तरह। तो बिल्कुल जब आप बुलाती होंगी या उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती? कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं देती रिस्पॉन्स। वैसे अच्छी बच्ची ज़हीन है, शरारतें वगैरह बाकी बच्चों की तरह करती है? बिल्कुल ज़हीन है माशाल्लाह, लेकिन नॉर्मल स्कूल वगैरह में नहीं जा सकती ज़ाहिर है, बिल्कुल भी नहीं जा सकती। ठीक है, और ऐसे इनकी कोई हद होती है एज की कि इस वक्त तक इनका ऑपरेशन किया जा सकता है? बिल्कुल, जितना एज जल्दी करेंगे उतना बेहतर होगा। अच्छा, हम ये ऑपरेशन आमतौर पे 12 महीने की उम्र से कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि उस वक्त तक बच्चे का पूरी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, बेहोशी की दवाइयाँ के काबिल हो जाता है कि वो बर्दाश्त कर सके। 1 से 3 साल की उम्र में बेस्ट रिजल्ट्स हैं, लेकिन ये हम 5 साल की उम्र और ये बड़ी आइडियल 2 साल कुछ महीने की जी 2 साल कुछ तो इस बच्ची के साथ अगर इंटरेक्ट करें तो बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है। अच्छा, अच्छा। मैं जब हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए तो मैं इंटरेक्ट कर रहा था इस बच्ची के साथ, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट, और जल्दी अल्लाह ने चाहा बिल्कुल आपके साथ खुद इंटरेक्ट करने आती है, आपको सलाम करती है, हैंडशेक करती है, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। और इसको अगर ये हेयरिंग की जो है ना हिस भी मिल जाएगी तो शी वुड बी इंशाल्लाह। और आपका अल्लाह ताला ने शिफा आपके हाथों में रखी है और हमने एक मिसाल उसकी दिखाई दी है यहाँ, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा जाहिर है। डेफिनेटली आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, इनिशिएटिव लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अल्लाह ताला वसीले और राह हमवार करता है। बिल्कुल ठीक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत फख्र है कि हम उस इदारे से वाबस्ता हैं कि जो इदारा खुद और उसके जो सरपरस्त लोग हैं, जो उसके कारकुनान हैं, वो खुद भी अपने तौर पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पहले दिन की मैं मिसाल देता हूँ, 40-50 लाख का एक अमाउंट था, 36 लाख रुपए इसी इदारे के अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हो गए थे। तो आज भी हमारे सरपरस्तों में से एक नाम लेने से सख्ती से मना करते हैं, मुझे डांट का डर ना हो तो मैं उनका नाम ले लूँ। कल भी उन्होंने माशाल्लाह एक अच्छी अमाउंट जो डोनेट की थी, आज भी इस बच्ची के लिए, और डॉक्टर साहब से भी वो खुद भी उनके नुमाइंदे इंटरेक्शन में रहते हैं, पूछते रहते हैं, और बगैर उनकी बेटी के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह उसके अच्छे नसीब करे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी दे। तो इनिशियली 5 लाख रुपए इस बच्ची के लिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अनाउंस कर रही है, विच मीन्स कैश आ गया, बिल्कुल हाथ में कैश है। तो बिल्कुल आप डोनेट करते रहिए, डोनेशन हॉटलाइन खुली है, हमने अपने घर से इसका आगाज़ किया है। ये प्यारी सी बच्ची इंशाल्लाह बहुत जल्द बोलने और सुनने लगेगी, और हम आपको अगले बरस इससे मुलाकात भी आपकी करवाएंगे इंशाल्लाह। अब हमारे साथ है हमजा। हाँ जी, क्या हाल है आपके, जरा माइक पकड़ लें। हमजा को हमने सारिम बरनी साहब के ट्रस्ट से, हम किसी एक और बच्चे को बैठ जाओ मिलवाने के लिए गए थे, तो इसने मुझे कहा कि मुझे भी अपने घर जाना है, मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ और कई कोशिशें हो चुकी हैं लेकिन मुझे मेरा घर मिल नहीं रहा। घर से निकले ये थे, वालिद को फालिज का अटैक हुआ और ये अपने घर से निकले कि मैं बच्चा है कि मैं कुछ दरख्तों से फल तोड़ूंगा, उन फलों को मैं बेचूंगा बाज़ार में, पैसे लूंगा और अपने बाप का इलाज करवाऊंगा। ये करते 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 दूर निकल गया और घर भूल गया। किसी ने सारिम बरनी ट्रस्ट पहुंचाया, सारिम बरनी साहब ने 3-4 बार कोशिश की, घर नहीं मिल सका। तो ये 2 साल से सारिम बरनी साहब के हाथ था। तो हमारे नुमाइंदे से ये बात कर रहा था कि मैं इस एरिया में था, मुझे लगता है कि वो फलां ग्राउंड के पास मेरा घर था। तो हमारे नुमाइंदे ने कहा एक एफर्ट और करते हैं इसको उसके घर पहुंचाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कोशिश की, वो पूरा प्रोग्राम भी हमने सरेआम में उसको ऑन एयर किया। अच्छा, तो 2 साल बाद हमजा अपने वालिद से मिला। ऐसा ही था हमजा, माशाल्लाह। कैसा लगा था, माइक पे बोलो जरा बताओ। अच्छा लगा था। और अब वो दोस्त याद आते हैं जिनको तुम रोते हुए छोड़ के आए थे सारिम बरनी ट्रस्ट में? दोस्तों खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना, आप लोगों के लिए भी मैं दुआ करूंगा, जल्दी जल्दी अपने घर चले जाओ। याद आते हैं सब लोग?
अब कैसी जिंदगी गुजर रही है तुम्हारी? अच्छी। स्कूल जा रहे हो? जी। हम वादा करके आए थे कि इसकी स्कूल की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अबू का इलाज और ये सब चीज़ें कैसी हो रही हैं? अबू का इलाज हो रहा है? जी। चल रहा है इलाज उनका? बात करवाओ जरा माइक दोनों। जनाब, 2 साल बाद आपका बेटा आपको वापस मिला था? जी जी। उम्मीद तो छोड़ दी थी आपने? नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ी। अच्छा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। वाह, तो अल्लाह का हुक्म से और आप लोगों की काफ़ी से ये अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह की इंटरेस्ट में बड़ी मदद की। माइक थोड़ा करीब कर लीजिएगा। जदोजहद के साथ इसको रखा और हमारे तक ये पहुँचा आपकी वसासत से। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं शुक्रिया अदा करूँ। अल्लाह आपको सलामत, अल्लाह आपको इसका सिला देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बस इनके लिए ये है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि ये जो शादी हॉल्स हैं उनके बाहर कुछ चीज़ें बेचते थे, और फालिज के अटैक के बावजूद ये अपनी मेहनत और मजदूरी को जारी रखे हुए थे। लेकिन घर जो है वो इनका किराए का है, ऊपर का पोर्शन है। हम जब गए थे हमने देखा, बड़ी कसम कुर्सी की ज़िंदगी है। तो इनके लिए भी हम अगर इनके कोई अच्छे कारोबार का इंतज़ाम कर सकें। मैं हमेशा ये कहता हूँ, इस बार हमने मैक्सिमम कोशिश ये की है कि किसी को तुफैलिया ना बनाया जाए, किसी को ये ना कहा जाए कि जी आपको महीने के इतने पैसे मिलते रहेंगे, आप घर बैठ जाएं। नहीं, वो जो काम ऑलरेडी कर रहा है उस काम को थोड़ा बढ़ा दिया जाए ताकि उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए, उसकी मदद की जाए ताकि वो मेहनत करें, मजदूरी करें, अपने बच्चों का पेट भी पाले, अपना घर भी कोशिश करके बनाए, अपने बच्चों की तालीम का भी इंतज़ाम करे। तो इनके लिए भी बस मेरी दरख्वास्त ये है कि एक कारोबार का इंतज़ाम हो जाए, और हम 3-4 रोज़ से चूँकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 3 से 4 लाख रुपए में एक अच्छी दुकान, एक जनरल स्टोर हम खोल के, ताकि ये वहाँ बैठ के आराम से अपना काम शुरू कर सकें। तो डोनेशन आप इनके लिए भी कर सकते हैं, डोनेशन हॉटलाइन। वालदा के साथ आए हुए? हाँ, ये इनकी वालदा है, दिखाइएगा। मैं मुझे अच्छी तरह से याद है, जब हमने दरवाज़ा खोला तो ये पहली बार तो अंधेरा था क्योंकि उस इलाके में लाइट नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि कौन? मैंने कहा ये हमजा है आपका बेटा। तो वो मंजर मुझे नहीं भूलता कि जब माँ 2 साल बाद अपने बेटे से मिली थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। रो क्यों रही हैं आप? बस वो वक्त याद आ गया जब हमजा नहीं था आपके साथ। जी। ये ईद आप अपने बेटे के साथ गुजारेंगी? जी, लेकिन जरे मैंने ईद तक नहीं मनाई अपने बेटे के बारे में। जो बेटा मेरा नहीं था, मगर मैं दुआ कर दी, अल्लाह पाक मेरा बच्चा जहाँ गए भी है सही सलामत हो। और मैं उन्हें अपने बच्चे के लिए कपड़े तक रखे, मेरे अपने कपड़े नहीं बनाए, इसलिए कपड़े बनाए हुए थे। तो पैकेज दिखाते हैं जरा इनका, कि कैसे ये मुलाकात कैसे हुई थी, जरा इसे याद दिहानी के लिए अगर ये मौजूद हो तो। अबू के लिए पैसे कमाने के लिए निकले थे? सोचा था अगर मैं यहीं पर रह रहे के ख़त्म हो गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा। लेकिन देखो, अल्लाह ताला ने आज बना दिया ना वसीला तुम्हें घर पहुँचाने का। घर यही है? पक्की बात है, मिल गया घर? चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? बेटा आपका ही है? मेरे बेटा तो हमजा है। हमजा ही है ना ये? लाइट मारो जरा इसको। हमजा, आप जो को बाहर करने के लिए तो मुझे नहीं पता था आप लोगों को इतना बड़ा दुख पहुंच जाएगा। कई दफा मैं रात को ख्वाबों में उठ उठ के बैठा हूँ कि शायद मेरा बच्चा आ जाए, कभी कोई अल्लाह का फरिश्ता भी ले आए। तो ये आपका बेटा, हमने आपको लाके मिलवा दिया। बहुत बहुत मशहूर हूँ। इसकी अब पढ़ाई जो है ना, वो हमें लगता है कि बहुत जरूरी है, वो हमारी जिम्मेदारी है आज से। तो ये बड़े बड़े जज्बाती से मनाजिर थे सरेआम में। हमने पढ़ाई की जो हम जिम्मेदारी ले सकते थे वो ज़ाहिर है, फिर हमने बाकी इनका सिलसिला रमज़ान तक सोचा के रोकते हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगेन ARY नेटवर्क ही में से हमारे ही सरपरस्त, हम बड़े भाइयों की तरह उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी बच्चों की तरह, बेटों की तरह इज्जत और एहतराम और प्यार करते हैं। तो उन्होंने इस फैमिली के लिए भी इनिशियली 2 लाख रुपए अनाउंस किए, और बस अल्लाह ने चाहा तो बस ये बहुत बाइज्जत रोज़गार कमाएंगे। हमजा, तुम क्यों बात नहीं कर रहे? उस दिन तो बड़े डायलॉग बोल रहे थे तुम्हें। क्या क्या किया है जब से तुम्हें घर छोड़ के आए हैं हम? बहन से, घर वालों से शरारतें तो नहीं करते ज्यादा? करता हूं। करते हो शरारतें? क्या तंग करते हो सबको ज्यादा? खेलता हूं। अच्छा, सारे बनी ड्रेस में जो तुमने टाइम गुजारा वो
और जब अपने घर में टाइम गुजारा, उन दोनों में क्या फर्क है? घर तो अपना घर होता है और एदी अपना एदी होता है। और घर में रहोगे घर का मजा कुछ और है, एदी में रहोगे तो उसका मजा कुछ और है। तो तुम्हें अब पूछेंगे तुमने कहाँ जाना है तो कहाँ जाओगे, घर जाओगे या तुम्हें फारूक भाई के हाथ? घर। घर जाना चाहोगे? अच्छा चलो गुड। तो अभी आपने जिस तरह कहा कि मैंने कपड़े, इस यकीन था कि ये मिलेगा मुझे जी, तो ईद के कपड़े भी बना के रखे हुए थे आप? जी पक्का, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा था। दो साल नहीं बच्चा आपका मिला? दो साल नहीं मिला, लेकिन सब कहते हमारे बच्चे पत्नी कहा कि मेरे को मेरा बच्चा जिंदा है सही सलामत और किसी नेक के हाथों में है। मेरे अपनी मियाँ से भी यही कहा था, मेरे को फिक्र नहीं करो इंशाल्लाह मेरा बेटा जरूर मिलेगा, कोई लेके आएगा मेरे बेटे को। और देख ले अल्लाह ताला ने हमें वसीला बना के आपके पास भिजवा दिया इंशाल्लाह। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक तो आपका कारोबार तो अल्लाह ने चाहा हमारी जिम्मेदारी बाइज्जत, और आपके कंधे से कंधा मिला के आपके बुढ़ापे का सहारा भी आपके साथ है इंशाल्लाह। तो जिस जो भी मेरा जिसने भी बंदोबस्त किया अल्लाह उसको रात दुगनी आमीन। आपने बस मेहनत से मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि आपने इस फालिज के बावजूद आप अपना काम जारी रखे हुए थे जब मैं आपके घर आया था, और इसीलिए हम समझते हैं कि आप अपनी मेहनत जारी रखें ताकि आपकी सेहत भी जाहिर है जब हरकत होती है। बस मैं यही कहता हूँ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे सेहत दे दे आमीन, और मेरा मकान अपना हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस अल्लाह दोनों चीजें आप बस मेरे मकान का कुछ बंदोबस्त अगर हो सके तो वो कर दे ताकि मैं किराए के झंझट से बच जाऊं। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, वो हमारे बड़े कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल सही। एक छत जो है वो बाइज्जत और जाहिर है रोजगार का तो आपका सिलसिला अल्लाह ने चाहा अब हो गया है। ठीक है हमजा, अब कौन सी क्लास में हो, माइक दीजिएगा इसको। थ्री में। और पेपर वगैरह कब है तुम्हारे? मैंने तुम्हारा रिजल्ट चेक करने आया करना है जी, तुम्हारा रिजल्ट देखने आऊंगा मैं। सही है। कब है रिजल्ट? ईद के बाद। ईद के बाद है? अच्छा अच्छा, पेपर वगैरह हो गए, ईद के बाद पेपर होंगे। चलो बस तुम पे नजर है हमारी, ठीक है? नहीं बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, जब हम मिले थे इससे तो इसकी गुफ्तगू से हमें बड़ा अच्छा अंदाजा हुआ था कि ये जिंदगी में कुछ कर सकता है अगर इसको प्रॉपर एक एजुकेशन और एक अच्छा माहौल मिले तो इंशाल्लाह लजीज ये बड़ा आगे जाएगा। आपके लिए भी अल्लाह ताला ने चाहा तो डोनेशंस मजीद आ रही हैं, आपके कारोबार के लिए भी, घर के लिए भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कुछ, वैसे भी हमारे डोनर्स हैं उनसे भी, तो इंशाल्लाह दुबई की जो हमारे डोनर हैं उनकी तरफ से भी इन दोनों के लिए 50,000 रुपीज़। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब बस जाते जाते अब हम कब इस बच्ची को इंशाल्लाह पहले तो सुनता हुआ और फिर बोलता हुआ देख सकेंगे अगर जल्दी इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है तो? अब देखें इंशाल्लाह इस जगह से प्रोसेस शुरू हुआ है तो आना शुरू हो गई हैं फंड्स और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करेंगे कि ईद के फौरी बाद जो है इनका पहला स्टेप जो है जी पहला स्टेप तरफ किया जाए। इनका जो एज ग्रुप है उसमें थोड़ा हमें अर्ली करना चाहिए बिकॉज 2.5 साल इनकी एज हो गई है और थोड़ा कम टाइम है इनके पास, जितने जल्दी मुमकिन हो सके हमें सर्जरी करनी चाहिए। तो टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि जुलाई अगस्त में इंशाल्लाह इनकी सर्जरी कर सके और फिर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इनको आपके साथ इसको बुलाएंगे और हम आमतौर पे अपने बच्चे इस तरह प्रेजेंट करते हैं जो पोएम या तिलावत सुना रहे होते हैं जो पहले बोल और सुन नहीं सकते और फिर वो किसी स्टेज पे आके जो है ना या पोएम सुना रहे होते हैं या तिलावत कर रहे होते हैं तो बहुत ही अच्छा मंजर होता है। क्या बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगेन ये जितनी भी रियायतें इस तरह के बच्चों के लिए ये करते हैं डॉक्टर साहब और ज़ाहिर है इनका इदारा वो इसलिए नहीं होती कि टेलीविज़न पे कभी इनके इल्म में भी नहीं था कि कभी हम इनको जहमत देंगे और ये यहाँ तशरीफ़ लेके आएंगे, वो खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। तो ऐसे फरिश्ता सिफ्त लोग भी हमारे दरमियान मौजूद हैं जो अपना काम तो करते हैं लेकिन जहाँ उन्हें लगता है कि वो मदद कर सकते हैं किसी के अपने काम की सूरत में वो भी ज़रूर करते हैं। सलाम है आपको डॉक्टर साहब, आपके लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह आपके हाथों में इसी तरह से शिफा रखे, इस तरह के बच्चे और बच्चियां आपकी वजह से बोलते रहें सुनते रहें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह, बहुत नवाज़िश सर, सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया और हम इसी उम्मीद के साथ इस सेगमेंट को क्लोज़ कर रहे हैं कि ये जो आगाज़ तो बड़ा एक अच्छा फराहम कर दिया है हमारी फैमिली में से एक साहब ने, लेकिन इसको फिर अंजाम तक आप पहुँचाएंगे और उसी ज़बरदस्त अंदाज से पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। एक वफ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।